हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमस एकेडमी। आज के अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे इंग्लिश का वोकेबलरी सेशन। आज से पहले टोटल 8 पार्ट हम देख चुके हैं इंग्लिश के, तो आज 9th होगा। तो पहले आपको बता देंगे, अगर आपने पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं जिनमें अराउंड 200 वर्ड्स हम वोकेब के देख चुके हैं, नेमोनिक्स के साथ हर वर्ड की हम एक पिक लेते हैं, फोटो लेते हैं और उसकी एक ट्रिक भी देखते हैं हिंदी में इंग्लिश में, तो अगर वो नहीं देखें आप देख लें, 200 वर्ड वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो आज पार्ट 9 में फिर हम 10 वर्ड्स देखेंगे और इसी प्रकार टोटल कितने कर देंगे, 1000 वर्ड्स हम कंप्लीट कर देंगे एग्जाम से पहले। तो ये 1000 वर्ड्स नहीं होंगे सिर्फ, इनके साथ इनके एंटोनिम सिनोनिम भी होंगे और आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा ऑप्शन से भी एग्जाम में। तो आप मान के चलिए 2000 वर्ड्स तो ये मिनिमम हो ही जाएंगे सिर्फ ये 1000 याद करने से। तो चाहे SSC की प्री एग्जाम हो या मेन्स हो, आपकी 80% वोकैब यहाँ से कवर हो जाएगी, इतना मान के चलिए। प्रीवियस ईयर भी हो जाएगी और नए वर्ड्स भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप पहले 8 पार्ट देखिए, वो अच्छे लगे तो आप पार्ट 9 पे आइए आज, फिर पार्ट 9 हम कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो हमारा आज का पहला वर्ड है ऑक्सीडेंट। अब सबसे पहले अगर आपने पहले के पार्ट देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक बार पिक की तरफ नहीं देखेगा, कोई मीनिंग्स की तरफ नहीं देखेगा, सिर्फ ऑक्सीडेंट वर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेंट एक नाउन है, ठीक है। अब खुद के मन से सोचिए कि ऑक्सीडेंट वर्ड देखते दिमाग में क्या आता है, ठीक है। मीनिंग मत पढ़ना एक बार, ना ही पिक देखनी है, ऑक्सीडेंट वर्ड देखिए दिमाग में क्या आता है। ऑक्सीडेंट देखिए दिमाग में आता है, सबसे पहले ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है एक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट और एक्सीडेंट एक जैसे लगते हैं सुनने में, इसलिए ऑक्सीडेंट से दिमाग में आ गया एक्सीडेंट। अब मेरे को क्या करना है, कोई ऐसी ट्रिक निकालनी है कि ऑक्सीडेंट से एक्सीडेंट रिलेट हो जाए और मीनिंग भी दोनों का आपस में सेम बन जाए। क्योंकि जब जब मैं ऑक्सीडेंट वर्ड देखूंगा मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक्सीडेंट आएगा। एग्जाम में भी अगर ऑक्सीडेंट आया, दिमाग में सबसे पहले एक्सीडेंट आएगा। तो कोई ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि एक्सीडेंट ऑक्सीडेंट से एक्सीडेंट गए और एक्सीडेंट से अपनी ट्रिक पे आ गए। तो ऐसी ट्रिक क्या होगी, वो ट्रिक आपके सामने। अब आप देखिए इसकी मीनिंग और इसकी फोटो पे जाइए। मीनिंग है, द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एस्पेशली यूरोप एंड अमेरिका। जो वेस्ट की कंट्रीज होती हैं, यूरोप अमेरिका वो होगी, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट में आती है वो कंट्रीज, ऑक्सीडेंट। तो इसको ऑक्सीडेंटल कंट्रीज भी बोल देते हैं जब इसके आगे एल लग जाते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ऑक्सीडेंट से दिमाग में आया एक्सीडेंट। तो ये जो एक इधर पिक है, ये स्कूल बस है, ये स्कूल बस है अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका में कुछ साल पहले एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी ये पिक ली हुई है। तो ए ब्रूटल एक्सीडेंट इन अमेरिका, फॉर एग्जांपल हमने लेट 200 पीपल डाइड, या फिर 200 पीपल इंजर्ड। डाइड मत करिए, सैड न्यूज क्यों, 200 पीपल इंजर्ड। तो अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ और वहां पे 200 पीपल इंजर्ड, घायल हो गए। तो ऑक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। तो जो अमेरिका की तरफ की कंट्रीज है वो सब कहलाती है ऑक्सीडेंटल कंट्रीज, मतलब वेस्ट की कंट्रीज। तो इसी के साथ जब वेस्ट की बात हो रही है तो आपको बता दें कि जो ईस्टर्न एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, उसकी कंट्रीज को बोलते हैं ओरिएंट, ओरिएंट में आती है और उनको बोल दिया ओरिएंटल। ये एक और वर्ड हो गया, दो वर्ड एक साथ याद हो गए, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड अपना ओन्यूमेनिया। फिर से कोई इसकी मीनिंग की तरफ नहीं देखेगा, एक बार खुद से सोचिए। सबसे पहली बात, ओन्यूमेनिया एक नाउन है, मीनिंग मत देखिए एक बार। तो मैनिया वर्ड देखते दिमाग में आता है कि मैनिया उनके आगे लगता है जो किसी न किसी चीज का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। किसी चीज की बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, लत लग जाना, उस चीज पे काबू नहीं रख पाना, उनके आगे लगता है मैनिया, ठीक है। अब ओनियो देखते दिमाग में क्या आता है, ऑनियन, ऑनियन बोले तो प्याज, प्याज का डिसऑर्डर, प्याज का मैनिया है, ऐसे दिमाग में आया। ये एग्जाम में भी ओनियो मैनिया देखते, ओनियो से ओनियो आएगा, ऑनियन आएगा और मैनिया से डिसऑर्डर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, अब मीनिंग क्या है, मीनिंग है इसका कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर मतलब खरीदारी करते रहने का लत लग जाना, कोई ना कोई चीज़ खरीदारी करनी है किसी न किसी चीज़ की। कोई लोगों को, काफ़ी सारी लड़कियों को ये लत लग जाती है कि उन्हें खरीदारी करने की, मतलब शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, हर बात पे शॉपिंग, ठीक है। खुश हुए तो शॉपिंग, दुखी हो तो शॉपिंग, जैसे लड़कों का नहीं होता ड्रिंक करने का, ये स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी पे लागू हो, जो अपने बॉलीवुड में दर्शाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उनमें ड्रिंकिंग का हो गया, वैसे ही लड़कियों में क्या होता है, शॉपिंग का। तो कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर जिसको होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या है, ओन्यूमेनिया है, ठीक है। अब इसकी की याद कैसे करेंगे, ओनियन से आगे अनियन ट्रिक होगी। माई अंकल हैज इंटेंस डिजायर टू बाई अनियंस ऑफ वेरियस काइंड। फोटो में देखिए, मान लीजिए मेरे अंकल है, ठीक है, ये मेरे अंकल है, ठीक है। इन अंकल की क्या है, इनको एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है, इस प्रकार की बीमारी है, लत पड़ गई कि इनको जगह जगह से हर प्रकार के प्याज खरीदने हैं, ओनियन खरीदने हैं, जहां भी जाते हैं उस सिटी का, उस देश का ये प्याज खरीदते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, ये लत हो गई, ये एक बीमारी होगी जिस पे इनका कंट्रोल नहीं है। तो ये है ओन्यूमेनिया,
खरीदारी करने की बीमारी, ओनियोमेनिया। ठीक है, आज याद रखेंगे, किसी को भी, अगर आपके सिस्टर को, आपकी फ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को, या आपके भाई को, किसी को भी खरीदारी की बीमारी हो तो बोलेंगे उससे क्या है, कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर है, बोले तो ओनियोमेनिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमर। सिमर क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, अब फिर से इस वर्ड को देखते दिमाग में ऑटोमेटिकली सिमर को देख के आता है दिमाग में समर। ठीक है, एक आई और यू का ही फर्क है, तो सिमर से दिमाग में आया समर। अब समर से हमने ट्रिक बना दी। ट्रिक बनाई क्या, पहली बात इसका मीनिंग है बॉइल या उबाल। उबाल आता है ना किसी चीज में, पानी में उबाल आता है, पानी बॉइल होता है, टी चाय बॉइल होती है तो चाय में भी उबाल आता है, उफान आती है ना, उसको बोलते हैं, वो हो गया उबाल। तो सिमर का मतलब यही है, बॉइल या उबाल होना। तो की होगी समर, समर में पानी सिमर करता है। अब आप किसी उसके देखेंगे छोटा कोई पॉन्ड होगा, ठीक है, काफी ज्यादा गर्मी होगी, काफी ज्यादा गर्मी होगी, तो वहां पे क्या होगा, पानी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी भाप दिखेगी। भाप दिखेगी, भाप का मतलब क्या हो गया, वाष्प हो गया है ना, हवा थोड़ी थोड़ी वो दिखेगी, हवा दिखेगी, तो वो क्या होती है, सिमर। सिमर होने की वजह से वो हवा आती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, सिमर से समर, समर में पानी बॉइल करता है, उसमें उबाल आता है, यही इसका मीनिंग हो गया। चलते हैं आज के फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड आज का रिपल। रिपल देखिए क्या है, रिपल एक नाउन है। अब रिपल देखते दिमाग में, पता नहीं क्यों रिपल देखते दिमाग में आ गया एप्पल। ठीक है, अब रिपल से एप्पल दिमाग में आ गया, एप्पल से ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। रिपल का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। रिपल का मीनिंग है वेव या रिंकल, लहराना। ठीक है, जब समुद्र किनारे आप जाएंगे तो जो हल्की 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 जो वेव आती है ना, हल्की हल्की, एकदम जो तेज आती है वो नहीं, जो हल्की फुल्की आती है, उनको क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे मानिए ये बीच है, बीच पे कोई बच्चा है, वो एप्पल खा रहा है। एप्पल खाकर बच्चा एप्पल खाते खाते धीरे धीरे चलते चलते बीच पे पानी में चला गया और वहां नहाने गया, तो वो रिपल में फंस गया, वो वेव में फंस गया। तो एप्पल खाकर नहाने गया, रिपल में फंस गया, ऐसे याद कर सकते हैं। और रिपल का एक और वर्ड जैसे रिंकल, तो ये थोड़े मैच भी करते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपल वर्ड से याद करेंगे, रिपल से एप्पल खा के नहाने गया और रिपल में फंस गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम्प। हम्प क्या है, एक नाउन है। ठीक है, हम्प वर्ड तो बहुत ही कॉमन है। हम्प वर्ड से दिमाग में क्या आता है, देखिए हम पर अगर आपको हम्प पहले से याद नहीं है तो ट्रिक इसकी क्या होगी, हम पर, ये तो हम हो गया और पी से बन गया पर, तो हम पर ये किसने गरम तेल डाला, हम्प निकल आया। ठीक है, ये गाना इस प्रकार का गाना है, गाने से हमने ट्रिक बना दी। हम पर ये किसने गरम तेल डाला, हम्प निकल आया। हम्प निकल आया मतलब स्वेलिंग हो गई, वहां पे सूजन आ गई। ठीक है, कुबड़ टाइप बन गया। अब आप देख सकते हैं इधर ऊंट पे, कैमल पे, ये जो बने हुए दो, इनको क्या बोल देंगे आप, हम्प बोल देंगे। तो अगर आपको पहले से पता नहीं था हम्प का मीनिंग क्या है, तो हम की ट्रिक बना ली हमने, हम पर ये किसने गरम तेल डाला कि हम्प निकल आया। गरम तेल डालने से स्वेलिंग तो होगी, सूजन आएगी थोड़ी। ठीक है, तो वो हो गया हम्प। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप क्या है, एक नाउन है। स्क्रैप वर्ड एक नाउन है। ठीक है, अब स्क्रैप वर्ड दिमाग में क्या आते हैं, दो चीजें दिमाग में आती है, एक तो आती है क्रैप। ठीक है, क्रैप तो बहुत, मतलब क्रैप क्या हो गया, कूड़ा, बेकार, फर्जी, क्रैप हो गया, फर्जी बातें ना करो, क्रैप बातें मत करो। एक और दिमाग में आया स्क्रैप से स्क्रैच। ठीक है, दोनों से ट्रिक बनती है। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है टाइनी बिट ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप। किसी भी चीज का छोटा टुकड़ा, उसको बोलते हैं वो स्क्रैप। अब की देखिए, की सबसे पहले स्क्रैच से करें, ट्रिक होगी, स्क्रैच कर करके उसने कार्ड का स्क्रैप कर दिया, उसको कार्ड मिला। अपने स्क्रैचिंग कार्ड नहीं मिलते थे पहले, आजकल बंद हो गए, रिचार्ज करने जाते थे तो मिलता था कि उसको स्क्रैच करिए, नीचे से कुछ ना कुछ ऑफर आएगा। तो उसने इतना स्क्रैच करा, उस टुकड़े को इतना स्क्रैच करा नीचे ऑफर के लिए, यहाँ से ऐसे स्क्रैच करता गया, करता गया, करता गया, कि पूरे टुकड़े को खराब कर दिया जो पेज था, और उसको लास्ट में सिर्फ एक क्या बचा, स्क्रैप बचा, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा बचा, बाकी पूरा खराब हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक जो क्रैप थी, क्रैप से याद कर सकते हैं कि हर कोई बड़ी चीज, कोई भी बड़ी चीज है, जब वो टूटेगी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, तो वो क्या होगा, एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी काम का नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा इधर आ गया, वो किसी काम का नहीं है, वो क्या है, वो क्रैप है, और उसको क्या बोल देंगे, वो स्क्रैप भी है। स्क्रैप मतलब छोटा सा टुकड़ा है और किसी काम का नहीं है, इसलिए क्रैप हो गया। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ये आपको हो सकता है ऐसे लगे नॉनसेंस ट्रिक्स लगे, सिल्ली ट्रिक्स लगे, लेकिन नॉनसेंस हो, सिल्ली हो, कि किसी भी प्रकार की हो, हमारा काम, हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हमें वर्ड याद होना चाहिए, उसकी मीनिंग याद होना चाहिए। एग्जाम में आप स्क्रैप वर्ड देखेंगे, आपके दिमाग में क्रैप आएगा, अपने आप आएगा, एक बार अगर आपने आज से सुन लिया तो स्क्रैप का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, और क्रैप होता है बेकार, रद्दी, तो छोटा सा टुकड़ा एक रद्दी चीज होती है, बेकार होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा नोट।
नोट क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब नोट देखिए, नोट बहुत ही ज़्यादा बेसिक वर्ड है, अगर आपको नहीं याद है तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग होता है जेस्चर विद हेड, हम ऐसे सिर हिलाते हैं ना यस यस और नो में, उसको क्या बोलते हैं? नोट करना, ठीक है। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, अगर आपको ऐसे पहले से याद नहीं था, नोट से होगा नोट, ठीक है। जैसे ही किसी कार्यकर्ता को नोट मिलता है, जैसे उसके तरफ आप आगे नोट बढ़ाएंगे, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए या किसी प्राइवेट में कहाँ भी गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चलता है आजकल? करप्शन, कहते हैं ना भाई पैसा बोलता है। पैसा कैसे बोलता है? आपको कोई फाइल पास करवानी है वो नहीं हो रही, आप क्या करेंगे? आपने 2000 रुपये का नोट पास करा, ऑटोमेटिकली जो कार्यकर्ता है उसका सर क्या होगा? यस में हिलेगा, ठीक है भाई साहब फाइल पास हो जाएगी। तो नोट देख के बंदा नोट करता है, नोट देख के बंदा हाँ भरता है, ठीक है। तो मीनिंग है जेस्चर विद हेड, सिर हिलाना, की हो गई नोट, नोट मिलने पर ही कार्यकर्ता नोट करते हैं, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं नोट का मतलब ऐसे आगे पीछे सर हिलाना यस नो में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनजेन्युटी। इनजेन्युटी क्या है? एक नाउन है, ठीक है, इनजेन्युटी एक नाउन है। अब मीनिंग नहीं देखेंगे आप, पहले खुद से ट्राई करिए क्या है। देखिए इंजन, इंजन ये हो गया इंजन, ये वाला इंजन, ठीक है, और इसको आगे क्या करेंगे? नोटी, इंजन नोटी। अब इससे इनजेन्युटी देखते दिमाग में हमेशा क्या आएगा? इंजन नोटी। और एक और दिमाग में क्या आती है इसको देखते हुए, ज्यादा दिमाग में आएगा आपके जेन्युइन, इन जेन्युइन। ये मेरे देखते सबसे पहले दिमाग में ये आया था, ये थोड़ी देर बाद में क्लिक करा इंजन नोटी, सबसे पहले दिमाग में आया इन फिर जेन्युइन, इन जेन्युइन। अब देखिए कोई बंदा जेन्युइन है और फोटो में आप देख सकते हैं एक साइंटिस्ट वर्क कर रहा है, तो ये बंदा जेन्युइनली इंटेलिजेंट है, जेन्युइनली चालाक है ना, ये इसको पता है कैसे कौन सी मशीन के साथ काम करके क्या प्रोडक्ट निकालना है। तो इन जेन्युइनिटी का मतलब होता है क्लेवरनेस या कौशल, कोई बंदा एक्चुअल में समझदार हो, चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, वो उसको उसकी उस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? इन जेन्युइनिटी बोलेंगे, क्लेवरनेस होगी वो, ठीक है। और वो बंदा क्या होगा? इन जेन्युइन होगा, इन जेन्युइन। और ये ITY लग गया आगे, तो ये उसकी क्लेवरनेस, उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो की हो गई इसकी पहली इंजन ओटी, इंजन ओटी आप रहने दीजिए, आप इन जेन्युइन याद करिए, ठीक है, इन जेन्युइन। कोई बंदा जेन्युइन होगा, जेन्युइनली उसने पढ़ाई करी होगी, जेन्युइनली मेहनत करी होगी, तो वो क्या बन जाएगा? इन जेन्युइन बन जाएगा, उसकी क्वालिटी बन जाएगी इन जेन्युइटी, क्लेवरनेस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड है, ये आपको एक बार में याद हो जाएगा। ये सबसे पहली बात, ये क्या है? नाउन। इसको आगे देखना है मत, आप सिर्फ इतना देखिए एक्स। एक्स क्या होता है? आपकी चाहे एक्स वाइफ मानिए, एक्स हस्बैंड मानिए, एक्स गर्लफ्रेंड मानिए, एक्स बॉयफ्रेंड मानिए, अगर आपको ऐसा कभी मौका पड़ गया या मजबूरी हो गई कि आपको अपने एक्स स्पाउस के साथ या एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि वो ट्रिप छोटी से छोटी हो, जितना कम ऑकवर्ड फेज है उतने अच्छा, छोटी से छोटी ट्रिप हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की, इतना चाहेंगे। तो वही एक्सकर्जन का मीनिंग है, शॉर्ट जर्नी, छोटा अभियान, भ्रमण। की हो गई एक्स, ट्रिक हो गई, अपने एक्स के साथ हम केवल एक्सकर्जन पर ही जा सकते हैं। इस फोटो में बड़े खुश लग रहे हैं, ये पहले की बात है, ये पास्ट की बात है, जब प्रेजेंट में वो एक्स हो चुके हैं तो इतने खुश नहीं दिखेंगे, चाहेंगे कि ट्रिप एकदम शॉर्ट हो। तो आज के बाद एक्सकर्जन वर्ड देखें, दिमाग में आएगा एक्स, एक्स मतलब ट्रिप पे जाना है एक्स के साथ, छोटी सी ट्रिप, शॉर्ट जर्नी। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड पे, 10th वर्ड हमारा, वो है विविड। विविड क्या है? एक नाउन है, ठीक है, विविड एक नाउन है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, विविड, विविड से दिमाग में आता है विविध भारती। क्या दिमाग में आता है? विविध भारती। तो विविध भारती बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, स्पष्ट और पावरफुल था, ऐसे याद कर सकते हैं, विविध भारती बहुत ज़्यादा स्पष्ट, पावरफुल और ब्राइट था। तो यही विविड का मतलब है, विविड से हमेशा दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए, क्योंकि ये वर्ड पॉजिटिव है। तो विविध के दो मीनिंग है, एक होता है ब्राइट, ठीक है, और दूसरा होता है पावरफुल। और विविध भारती दोनों क्या है? ब्राइट भी है और पावरफुल भी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आज के 10 वर्ड थे हमारे। अगर इन 10 वर्ड में आपको कोई भी ऐसा वर्ड है जिसकी ट्रिक समझ में नहीं आई हो या आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वहाँ पे पूछ लीजिए, वो कैब का Part 10 लेके आएंगे आपके लिए वापस नेक्स्ट, वहाँ पे फिर 10 वर्ड देखेंगे। और साथ ही में वो कैब के और नए तरीके याद करने के उस पर काम चल रहा है, वो भी आपके लिए लेके आएंगे, जैसे कि वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, हम ऐसे चलते हैं कि 5 वर्ड याद करते हैं जिनका सिनोनिम क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, जिनका मीनिंग हो गया ब्यूटीफुल, ऐसे याद करते हैं। जैसे एक वर्ड याद कर लिया कोई भी, स्टनिंग याद कर लिया, स्टनिंग का मीनिंग है ब्यूटीफुल, फिर उसके स्टनिंग के सिनोनिम देख लिए, कभी मीनिंग से वर्क नहीं करते, ऐसे करते हैं। अब क्या बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, मीनिंग हो गया जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से बनने वाले कितने वर्ड हैं, ब्यूटीफुल से जैसे स्टनिंग हो गया, ठीक है, हैंडसम भी इसका सिनोनिम यूज करा जा सकता है,
ठीक है, इस प्रकार के जितने भी हैं वो आपको बताएंगे। तो ब्यूटीफुल से कम 30 वर्ड आपको बताऊंगा जो जिनका सबका मीनिंग कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल होता है और वो एज ए सिनोनिम यूज में लिए जा सकते हैं। इस प्रकार की वो कैब सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप ऑप्टिमस अकेडमी पे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई भी अगर न्यूज आती है एग्जाम रिलेटेड तो आप तक जरूर लेके आएंगे। मैथ की वीडियोज भी चैनल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं करा है अभी तक। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस एंड सी यू अगेन।